हैं एक सवाल के साथ कि आप अपने घरों में जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जैसे कि तेल है, साबुन है, शैम्पू है, क्रीम है, वो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा खरीदना है? आप जाते हैं मार्केट, ढेर सारे ब्रांड है, आप कैसे डिसाइड करते हैं? कोई पड़ोसी से पूछते हैं, किसी दोस्त से पूछते हैं, या गूगल करके करते हैं? कैसे डिसाइड करते हैं? आप जवाब देंगे एडवर्टीजमेंट से। आप टीवी देखते हैं, आप यूट्यूब देखते हैं, आप सोशल मीडिया देखते हैं, आप पोस्टर्स देखते हैं, आप बैनर्स देखते हैं, आप मॉल में बड़े बड़े स्टैचूज देखते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के सेलिब्रिटीज जो है, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, ये लोग एडवर्टाइज करते हैं किसी एक ब्रांड को, चाहे वो शैम्पू का ब्रांड हो, चाहे वो साबुन का हो, चाहे वो किसी क्रिकेट बैट का हो, चाहे वो किसी ऑयल का हो। वो उसके बेसिस पे ही आप डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ये वाला खरीदना है। आप एक चॉइस बनाते हैं और आप उसको खरीद के ले आते हैं। आपको किसी से पूछने या किसी एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो मैं आज आपको क्या बता रहा हूँ उल्टा सीधी बात। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। तो स्वागत है आपका अपने चैनल केसर ट्यूटोरियल पे या केसीएल फार्मेसी ऐप पर, अगर आप वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक है, द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। जी हाँ, फेडरल फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बीफार्मा दोनों के लिए है, और जीपैट और जितने भी फार्मासी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जुरिस से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि क्या कभी ऐसा हो अगर कि हमारे टीवी पे एड्स आने लग जाए कि अगर किसी को स्टमक कैंसर है तो आप मेथोट्रेक्सेट लीजिए, किसी को ओवेरियन कैंसर है तो आप नाइट्रोजन मस्टर्ड लीजिए, उसका एड आने लग जाए, डॉक्टर साहब के बताने लग जाए एड पे कोई एक्सपर्ट कि भैया ये दवा खाइए, सुबह खाइए, खाने के बाद खाइए, ऐसे खाइए आप 2 महीने में बीमारी से ठीक, या कोई एड आने लग जाए बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में, होल्डिंग बैनर्स में, किसी को जॉन्डिस है, किसी को कॉलरा है, किसी को टाइफाइड है, किसी को मलेरिया है, तो ये दवाई खाइए, इतने बजे खाइए, उतने बजे खाइए, तो क्या होगा? दो बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि आपके जो भी डॉक्टर्स हैं उनका बिजनेस चौपट, उनका बिजनेस चौपट का मतलब ये हो जाएगा कि भैया उनके पास कोई जाएगा ही नहीं, जब सबको टीवी देख के, एड देख के, न्यूज पेपर देख के और सेलिब्रिटी के बताने से उनको सब मालूम चल जा रहा है तो क्यों जाएंगे? डॉक्टर्स का बिजनेस चौपट हो जाएगा। दूसरा चीज, नुकसान बहुत बड़ा पेशेंट को भी है, क्योंकि हमारा जो मेडिसिन है वो सब पे सेम असर करे ये जरूरी नहीं है। लाइफ बॉय साबुन से आप नहाओ, कोई लड़की नहाए, कोई बच्चा नहाए, कोई बुजुर्ग नहाए, सब पे सेम असर करेगा, लेकिन दवा सब पे सेम असर करने वाली नहीं है। इसलिए अगर आप कोई दवा एडवर्टीजमेंट के हिसाब से जाएंगे, किसी चीज के हिसाब से जाएंगे, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, उस दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है। तो फायदा किसको है? जी हाँ, सबसे बड़ा फायदा है मेडिकल कंपनीज को, जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है। आपको पता है कि किसी भी फार्मा कंपनीज का जो पूरा का पूरा सेगमेंट होता है, अपनी सेल का न जाने कितना बड़ा हिस्सा उनको डॉक्टर से पीछे खर्चा करना पड़ता है। कैसे? वो एमआर रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं, वो स्टॉकिस्ट को काम देते हैं, वो बाकी जो एमआर जाता है काम करने, डॉक्टर्स को गिफ्ट वगैरह देते हैं, उसके पीछे पंपलेट, प्रोसर, बैनर पे खर्चा करते हैं, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा फार्मा कंपनीज का, बहुत बड़ा हिस्सा उनका डॉक्टर्स को मनाने में जाता है। और जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट शुरू हो जाएगा तो डॉक्टर्स की वैल्यू खत्म। आज जमाना आ गया है, अब लोग ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, ऑनलाइन सलाह ले रहे हैं, वेबसाइट से मेडिसिन मंगा रहे हैं, वो जो आ रहा है, लेकिन इस पर कंट्रोल करने के लिए कि ऐसा ना हो, डॉक्टर का बिजनेस बंद ना हो, फार्मा कंपनीज अपनी मनमानी ना कर सके, पेशेंट को कोई डायरेक्ट साइड इफेक्ट ना हो, इसके लिए 1954 ईस्वी में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट को लाया गया। इस एक्ट का मेन पर्पज ही यह था, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कि इस एक्ट का मेन पर्पज यही था कि हम किसी भी प्रकार के मेडिसिन का, किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट का, किसी भी प्रकार के औषधियों का, किसी भी प्रकार के मेडिसिन के यूज का, या किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, सुरक्षा कवच, ये सब जो होते हैं ना, झाड़ फूक, टोना, जादू, इन सब में किसी भी प्रकार की चीजों का हम प्रचार प्रसार ना कर सके पब्लिक से डायरेक्ट। ठीक है, तो इसी को कंट्रोल करने के लिए जो एक्ट बनाया गया है, दिस इज द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। आपके सामने इसका ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, ऑब्जेक्टिव इसका सीधा सा मतलब है किसी भी प्रकार के एडवर्टीजमेंट को जो कि तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, दवा प्रचार, इलाज, बीमारी से रिलेटेड है, उसको हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में दोस्तों में पढ़ना क्या है कि दो कैटेगरी की दवाएं हैं, एक जिनका प्रचार प्रसार पूरी तरह से बैन है और एक जिसका प्रचार प्रसार हम किसी लिमिटेड तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप किसी डॉक्टर के चैम्बर में जाएंगे, किसी डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, देखेंगे उसके बाहर कुछ दवाओं के बैनर लगे होंगे, कुछ पोस्टर्स लगे होंगे, उसके टेबल के पास उसके जो कैलेंडर रखे हैं, पेपर वेट रखा है, घड़ी रखी है, उसमें किसी दवा का स्टिकर होता है,
तो वो प्रचार कंपनियां अपनी दवाओं का प्रचार डायरेक्टर को कर सकती है एमआर के थ्रू, लेकिन वो पब्लिक डीलिंग नहीं कर सकती, वो टीवी पे इसका ऐड नहीं दे सकते। कुछ दवाइयां हैं जैसे ओटीसी मेडिकेशन है, जैसे मूव है, आयोडेक्स है, डिस्प्रिन है, एस्प्रिन है, ये जो ओटीसी मेडिकेशन, ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर, जिसका साइड इफेक्ट कम है, जिसको आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी ले सकते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट सरकार अलाउ करती है। तो बस कुल मिला के इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि हमें किन किन दवाओं का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, किन बीमारियों का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, किन का नहीं कर सकते हैं, इनके क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, और अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आपको क्या पेनाल्टीज और ऑफेंसेस हैं। तो इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन की बात करेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरे लेक्चर कवर करना, और पूरा का पूरा जूरिस जो कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, उसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझता है, तो अभी आप जाकर के प्ले स्टोर से केसीएल फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और केसीएल फार्मेसी ऐप इंस्टॉल करने के बाद जूरिस प्रोडक्ट्स के लेक्चर को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ इसके कमिश्नर की कहां कहां पे लागू है। तो देखिए ये रूल पूरे भारत में लागू है, पहले कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में भी लागू है, जब से धारा 370 और 35 भी हट गया है, अब ये जम्मू कश्मीर में भी लागू है, और सरकार भारत सरकार भी बीच पे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालती रहती। कुछ डेफिनेशन जान लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जैसे पहला डेफिनेशन है आपके सामने कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है। एडवर्टीजमेंट आपको लगता है हिंदी में कहते हैं प्रचार प्रसार, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी डिजाइन का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी चीज का हम पब्लिशिंग करते हैं पेपर के जरिए, लीफलेट्स के जरिए, पोस्टर्स के जरिए, एड्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वीडियोस के जरिए, इसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं, यानी अपनी प्रोडक्ट के अनाउंसमेंट को अपने पब्लिक तक पहुंचाना। ठीक है, दूसरा हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर सकते हैं कि मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं। देखिए ड्रग तो मैजिक रेमेडीज क्या होते हैं, देखिए हमारे भारत में आज भी बहुत सारे इलाज झाड़ फूंक तंत्र मंत्र से चलते हैं, है ना। बहुत से ऐसे आपको गांव मिलेंगे बाबा जी कि उनको किसी को पीलिया है तो वो जॉन्डिस की मेडिसिन नहीं लेंगे, परहेज नहीं करेंगे, वो बाबा जी के पास जाएंगे, बाबा जी क्या करते हैं हाथ में डालते हैं लिक्विड, कहेंगे बेटा ऐसे मचलते जाओ मचलते जाओ मचलते जाओ, और वो लिक्विड में केमिकल होता है जो आपको पता नहीं चलता है, ऐसे मंगलेंगे तो पीला पीला पानी गिरता रहता है, बाबा जी कहेंगे देखो तुम्हारे शरीर से पीलिया निकल रहा है, देखो तुम्हारे शरीर से पीलिया निकल रहा है, और देखो थाली में पूरा पीला पीला तुम्हारा पीलिया निकल गया। अरे बाप रे, बाबा जी बहुत ज्ञानी है भैया, हमारे मौलवी जी बहुत ज्ञानी है, वो झाड़ फूंक कर रहे हैं, तो वो करके आपसे पैसे ले लेंगे और आपको कहेंगे ठीक। मैं नहीं चैलेंज कर सकता कि ये सही है गलत है, क्योंकि भारत बहुत ही विविधताओं का देश है। अब आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में क्या ये चीजें होती हैं वाकई में या नहीं होती है। मैं अभी बहुत छोटा हूं कि मैं इस ज्ञान को चैलेंज कर सकूं, मेरा ज्ञान भी बहुत कम है कि मैं बड़े लोगों को चैलेंज कर पाऊं, लेकिन जहां तक आप बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो झाड़ फूंक तंत्र बंद किसी भी प्रकार से जो बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं उसका भी प्रचार प्रसार करना बंद है, उसी को मैजिक रेमेडीज कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ड्रग का डेफिनेशन। आपको पहले से पता है कि कोई भी ऐसा आर्टिकल, कोई भी ऐसा केमिकल जो किसी भी मेडिकल एक्सटर्नली या इंटरनली अप्लाई करते हैं किसी डिजीज के डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, क्योर के लिए। और अगला है आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आपको पता है सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मेडिकल डिग्री एक्ट के हिसाब से, जो किसी भी मरीज को देखने के लिए ऑथराइज होता है, डायग्नोसिस के लिए ऑथराइज होता है, उसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो छोटे से लेक्चर में हमने आज इंट्रोडक्शन की बात की, ऑब्जेक्टिव की बात की, डेफिनेशन की बात की, इसके रूल्स, इसके रेगुलेशन, इसके ऑफेंसेस, इसके पेनाल्टीज सब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप केसीएल फार्मेसी ऐप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप ज्वाइन कर लीजिए, और सारा का सारा जूरिस का लेक्चर आप वहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।